हमारे घर में होने वाली है शादी। हे गाइस, मैं दीक्षा आप लोगों का भूपिक्षा व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। बैकग्राउंड में आ रही है मशीन की आवाज और आज का व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ रात के 7:30-8 बजे से। और आज का व्लॉग स्पेशल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, ये है मेरे हस्बैंड, देखो इधर को चेहरा दिखाओ। दो दिन से यहाँ पे बारिश थी तो मेरे कपड़े नहीं धोए, मतलब हो गए 4-5 दिन। और आज ये बैंक से आए, फिर क्या कर रहे हैं बेबी? क्यों धो रहे हो यार? मैं धो दूंगी ना। हाँ, बेबी तुम धोगी। आप मेरी केयर करते हो इसलिए धो रहे हो। थैंक यू। आप ये तो बोल दो मैं केयर करता हूँ इसलिए धो रहा हूँ, मेरी प्रेगनेंट है। बेड में इतनी सारी जगह है इधर की साइड पे, और ब्रूनो देखो हस्बैंड जी के साथ किनारे पे एकदम सोया है। ये पापो इतना प्यार करता है ना, और दोनों इतने गहरी नींद में, क्योंकि मुझे तो पानी की प्यास लगी थी, रात के 2:30 बज रहे थे तब मैंने देखा कि यहाँ पे बताओ दोनों कितने अच्छे से क्यूटली सो रहे हैं। The next day. पनीर के पराठे। तो गाइस आज ना पूरे किचन की सफाई होने वाली है, पूरे इधर क्लीन होना, काफी टाइम से नहीं हुआ है तो पूरा क्लीन करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं यहाँ से सब। ये देखो गाइस कैसे डब्बे वब्बे धो के रखे हुए हैं, तो अभी वहीं पे रख दिए हैं, और सारा किचन एकदम क्लीन हो गया है। ये देखो आई वो ड्रम भी ऊपर रख दिए हैं, ये वाला स्टैंड भी ऊपर रख दिया है, प्लस यहाँ देखो इतना क्लीन हो गया है। ये अभी पुदीना लेके आई थी मैं पुदीने की चटनी बनाने के, तो ये रखा हुआ है। ये देखो नीचे भी एकदम क्लीन हो गया है, सामान पूरा क्लीन हो गया है। तो दोस्तों घर का सारा काम हो गया है डन, और पता है आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे घर में होने वाली है शादी, मतलब मेरे मायके साइड में। और किसकी शादी होने वाली है पता है? मेरे भाई की शादी होने वाली है, मेरे बुआ के बेटे की शादी होने वाली है अप्रैल में, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, क्योंकि जो मेरे बुआ के लड़के ना वो हमारे साथ ही रहते थे बचपन से, हमारे साथ ही हमारे घर पे रहे हैं, तो घर पे होने वाली है शादी, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड जी से पूछती हूँ वो कितने ज़्यादा खुश हैं। हस्बैंड जी को देते हैं ये गुड न्यूज़ और देखते हैं उनकी खुशी कैसी है। क्या एक गुड न्यूज़ है? क्या? हमारे घर में शादी होने वाली है। लल्लू दा की हाँ, ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, आपको तो पता ही है, है? और बट आपको डबल खुशी हो रही होगी ना, क्यों बता दो जल्द से, क्यों हो रही है डबल खुशी? क्योंकि मैं अकेले जाऊंगा, अलग होते हैं भैया, पहाड़ों में घूमूंगा, वहाँ पे रूम बुक करूंगा, वहाँ पे रूम बुक करूंगा का मतलब क्या है? रूम बुक करूंगा मतलब होटल में रहूंगा, वहाँ की वादियों की मजे लूंगा। क्यों होटल में? बुआ के लोगों के यहाँ रहोगे? नहीं। क्यों, और भी जगह घूमने जाना है आपको? उस समय मेहमान ज्यादा होते हैं ना, तो ये तो सबको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि मेहमान ज्यादा होंगे तो आपको सोने की जगह नहीं मिलेगी। नहीं, सोने की जगह जमाई तो विष्णु भगवान है। हाँ, वो ठीक है, बट आपके तो नहीं होगी तब भी। मैं चाहता हूँ कि दिक्कत ना हो मेरे वजह से। अच्छा, तो जो शादी है ना वो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ की वादियों का तो कहना ही अलग है भैया, वहाँ तो ठंडा भी इतना ज्यादा होता है ना। मम्मा को छोड़ के सर में डैंड्रफ हो रही होगी ना, बाल तो नहीं आ रहे? हाँ भाई, बाल आने तो खुशी होती है ना। गाइस आज मैंने मंगाया चिकन बाहर से, तो हांडी चिकन, हांडी चिकन तो हांडी में नहीं आया, उन्होंने वैसे दिया है। अच्छा,
बोलते कि कंफर्टेबल नहीं होता ना, तो खाते हैं। ओ गॉड बुन्नी, तो मैं दिखा देती हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद चिकन ऑर्डर किया है अपने लिए, हांडी चिकन, प्लस इसमें ब्रूनो के लिए एग बॉईल हो रहे हैं क्योंकि स्पाइसी है ना इसीलिए, और साथ में ये खाएंगे राइस और मैं देखो एग खाऊंगी जहाँ तक बात है। तो गाइस खाना तो इतना मस्त था ना, मजा आ गया। तो इस ब्लॉग में खत्म करेंगे क्योंकि अभी ब्लॉग को एडिट करना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और मैं अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। और गाइस चंपावत वाले ब्लॉग तो